नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो बीएससी के लिए और नीट के लिए और अन्य अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एग्जाम्स देने जाते हैं कंपटीशन के या जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इस टॉपिक से कॉमन सवाल पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लू ग्रीन एल्गी है नास्टाक से साइनोफाइसी के मेंबर के साथ रखा गया है। आज उसी के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। नास्टाक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इस टॉपिक से बीएससी के साथ साथ जो हमारे छोटे कंपटीशंस आते हैं एग्जाम्स आते हैं नीट है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम्स। नास्टाक आल्सो नोन एज स्टार जेली ट्रोल बटर स्पिट ऑफ मून फॉलन स्टार विच बटर एंड विच जेली, यानी कि इसको कई दूसरे उपनामों से जाना जाता है जैसे जेली ट्रोल्स बटर स्पाइट ऑफ मून फॉलन स्टार विच इज बटर्स एंड विच जेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिलता कहाँ है? नास्टाक कैन बी फाउंड इन सॉइल और मॉस्ट रॉक्स एट द बॉटम ऑफ लेक एंड स्प्रिंग्स एंड रेयरली इन मैराइन हैबिटेट्स। तो जो हमारा नास्टाक है इसकी उपलब्धता कहाँ रहती है, पाया कहाँ जाता है? तो ये नमी सॉइल ऐसी रॉक्स जहाँ नमी रहती है या झील की बॉटम पर मिलेगा, जो हॉट वाटर मिलेगा, और ये मैराइन हैबिटेट्स में लवणीय जल में बहुत ही रेयरली मिलता, बहुत कम पाया जाता है। इट इज में आल्सो बी फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल टेम्परेट डिजर्ट ट्रॉपिकल एंड पॉपुलर इन्वायरमेंट। इसके अलावा अगर सामान्यता आपको देखना है तो इसको राइस फील्ड में देखा जा सकता है, उसमें कॉमनली प्राप्त होता है। अब बात आती है कि नास्टाक का नाम नास्टाक कैसे रखा गया, किसने रखा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द नेम नास्टाक वाज क्वाइंड बाई पैरासीलियस एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्लिश नॉस्ट्रिल एंड जर्मन नॉलेज नोज होल नॉरस्टेल, यानी कि नाक के छेद के समान। Like due to the appearance many species colony being similar to nasal mucus। तो इसमें जो कॉलोनी पाई जाती है जिसे हम रेट कहते हैं, हमारे जुखाम खांसी होने के बाद नाक से जो म्यूकस निकलता है उसकी कॉलोनी शेप में पाई जाती है। इसी के आधार पर पैरासेलियस ने इसका नाम नास्टाक रखा। When it is on the ground, a nastak colony is ordinarily not seen, but after rain, it swells up in the conspicuous jelly-like moss which buds throughout the have fallen from sky. Hence the popular name likely like star jelly, trolls, water, which the water mentioned above. तो वैसे सामान्यता नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है इन कॉलोनी को हम फील्ड में देख सकते हैं, मिट्टी में देख सकते हैं, और हम जो हैं वो उसको जो तालाब हैं झीलें हैं उसमें भी हम बॉटम पर इनको कॉमनली देख सकता हूं। तो सामान्यतः अन्य मौसम में एनवायरनमेंट के बारे में इसको संभावना, लेकिन बारिश की सीजन में इसको देख को आराम से मिल जाएगा। तो इसको अगर देखना है आपको, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इसको बारिश की सीजन में जब राइस कल्टीवेशन का समय चल रहा होता है तो उस समय हम आराम से इसको वहां से आइसोलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नास्टाक का नाम नास्टाक क्यों रखा गया,
यानी कि हमारी नाक से निकलने वाला जो म्यूकस है उसकी कॉलोनी का शेप भी उसी में दिखता है, जो अगर दिखेगा उस तरह का तो उसमें ये मानिए कि आपको नाशक मिलने की संभावना रहेगी। इसी के आधार पर पहला सीरियस ने इसका नाम नाशक रखा। नाशक इज अ जीनस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। नाशक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के अंतर्गत आता है। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि इनकी जो सेल होती पूर्ण विकसित नहीं होती है और फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। दे आर फाउंड इन मेनली फ्रेश वाटर फ्री लिविंग कॉलोनीज अटैच रॉक्स एंड बॉटम ऑफ लेक्स। हेलो, हाँ नमस्ते, और कोचिंग में है हमारा। हाँ ठीक। दे आर फाउंड ऑन ट्रंक। दे आर आल्सो फाउंड एज एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इन सर्टेन प्रोफाइल्स। तो अभी हमने बात की कि इसको राइस फील्ड में या दूसरे तालाबों में या मॉइस जहाँ ज़्यादा रहता है मिट्टी वहाँ ले सकते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ लाइकेन्स हैं जिनके थैलस में हम नाशटाक को देख सकते हैं, जैसे कि एंथोसरास है उसके अंदर ये पाया जाता है, लाइकेन में भी पाया जाता है, ट्री के ट्रंक में भी इसको देखा जा सकता है। दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और एक ऐसा एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता रखता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। दे आर आल्सो प्रेजेंट एंड एंडोसिम्बायोटिक टू फंगस। और ये जो है फंगस के साथ एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स को करता है, यानी कि ये एल्गी जो है फंगस के साथ मिलकर एक लाइकेन का भी निर्माण करता है, नए प्लांट को बनाने का काम भी करता है। तो ये नाश्ता कॉलोनी हमने बताया था, आप देख सकते हो उसका क्लासिफिकेशन क्या है। डोमिनिस का बैक्टीरिया है, फाइलम साइनोबैक्टीरिया है, क्लास साइनोफाइसी है, नास्टोकेल्स ऑर्डर है, नास्टोकेसी फैमिली है, नाश्ता है। अब इसमें कुछ कॉमन स्पीसीज नाश्ता की है जो हमें फील्ड में देखने को मिलती है, उनका अलग अलग यूज है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। नाश्ता कमनी इज द ईटन एज सलाद। तो नाश्ता कमनी नामक जो नाश्ता की स्पीसीज है उसको सलाद के रूप में खाने में प्रयोग करते हैं। नाश्ता एजोलाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाटर फर्न। तो वाटर फर्न के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। नाश्टक पंचुटी फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एंथोसरास एंड द अदर हायर प्लांट। नाश्टक फ्लैजेली फॉर्म इज नोन एज फैट चुआई, इट इज यूज्ड एज वेजिटेबल इन चाइना। नाश्टक प्रूनी फॉर्म वेरी बिग कॉलोनी, यानी कि इसकी कॉलोनी बहुत बड़ी होती है जिसका साइज से 36 सेंटीमीटर तक होता है। नाश्टाक स्ट्रक्चर, अभी तक हम बात कर रहे थे उसकी, अब स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। नाश्टाक आर फिलामेंटस अनब्रांच्ड, न्यूमरस फिलामेंट्स आर फाउंड इन द जिलेटिनस मास और कॉलोनी। जैसे मैंने बताया था कि म्यूकस सबस्टेंस होता है उसी के अंदर नाश्टाक कॉलोनी डेवलप होती है। तो इसका जो थैलस होती है उसमें फिलामेंटस होता है, कई सारी सेल्स होती हैं, जिस तरीके से माला की कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं उस समय से माला की कड़ियों के रूप में ये अपना थैलस का फिलामेंट में बना जाता है। और थैलस उस म्यूकस यानी कि जो लिवलिवा पदार्थ होता है उसके अंदर पाया जाता है। कॉलोनीज में भी बिग एज एन एग, दे फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ चैन ऑफ सेल्स विच अपियर लाइक अ बैंड, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो नाश्टाक का जो फिलामेंट होता है उसे ट्राइकोम्स कहते हैं। सेल्स आर ओवल स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, एक गोलाकार होती हैं। सम ऑफ द सेल्स फिलामेंट डिफरेंशिएट टू कॉल्ड हिस्टोसिस्ट।
इन जो सेल्स होती हैं इनके बीच में एक अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है, इस साइज में बड़ी होती है, दिखने में अलग होती है, इसे हम हिट्रोसिस्ट कहते हैं। हिट्रोसिस्ट ही वो सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का रोल प्ले करती है। ये नाइट्रोजन फिक्स करती है, नाइट्रोजन एंजाइम फिक्स नाइट्रोजन, और इसके अंदर एक नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछा सकता है, कौन सा एंजाइम है जो हिट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, वो एंजाइम हमारा कौन सा है, नाइट्रोजनेज एंजाइम फिक्स करने का काम करता है नाइट्रोजन को। ईच फिलामेंट इज कवर्ड बाय द म्यूसिलेजिनस शीथ विच इज प्रोटेक्टेड लेयर, इट एब्जॉर्ब रिटेन वाटर, जिलेटिनस शीथ इज मेड अप ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स एंड कंटेन प्रोटीन्स। तो इसके फिलामेंट के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, वाटर को अपने अंदर स्टॉक करती है, और ये जिलेटिनस शीथ जो होती है वो पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जिलेटिनस सब्सटेंस जो कवरिंग उसके होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है पॉलीसेक्राइड एंड। तो हम देख सकते हैं ये आपके सामने एक कॉलोनी भी है, इस तरीके से कॉलोनी के बहुत सारे फिलामेंट है, एक म्यूकस म्यूसिलर सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं, और एक सिंगल ट्राइकोम से इसमें सेल्स हैं। आप देख सकते हो इनके बीच में हिटोसिस्ट भी है और सेल्स पाई जा रही है नॉर्मल कॉलोनी में। ये ट्राइकोम्स हमारा जो है सिंगल सेल का जो टुकड़ा होता है, कई सारी सेल्स में ब्रांच के रूप में उसे हम ट्राइकोम कहते हैं। ये देख सकते हैं इसमें किस तरीके से वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, हेटरोसिस्ट भी इसमें मिलती है। कॉलोनिया डिफरेंशिएट शेप साइज एंड कलर्स, दे आर मोस्टली ग्रीनिश ब्लू ग्रीन इन कलर, आल्सो हैव रेड एंड ब्राउन कलर। उसकी कॉलोनी होती है वो कई कलर्स में मिल जाएगी आपको, ब्लू ग्रीन में मिल जाएगी, रेड ब्राउन मिल जाएगी, येलो ग्रीन में, कि अलग अलग कलर को में आपको कॉलोनी देखी जा सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट आर आल्सो फाउंड, नॉस्टोसाइन एंड सिस्टोनिमिन, ये दो हमारे कंपोनेंट है, पिगमेंट है जो इसमें पाए जाते हैं। दीज पिगमेंट विद हैव सम अमीनो एसिड प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो यूवी रेडिएशन की सुरक्षा करते हैं। ईच सेल हैज थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो इसकी सेल वॉल जो बनी हुई होती है नॉस्टक की वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज डिफरेंशिएट इनटू आउटर कलर ड्यू टू द पेरिफेरल अरेंज्ड क्रोमोप्लास्ट एंड इनर क्लियर साइटोप्लाज्म। सेल हैव वेरियस पिगमेंट, सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट, फाइकोरोथिन रेड आल्सो प्रेजेंट। तो इसकी सेल्स में कई अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। इनर साइटोप्लाज्म कंटेंट इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बॉडी, डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। इसकी जो इंटरनल सेल है उसमें इंसिपिएंट यानी कि अविकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, और डीएनए इसमें पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। जैसा कि बात कर रहे थे कि इसमें कई सारे पिगमेंट मिलते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन आता है कि लाल सागर लाल क्यों होता है। तो लाल सागर लाल जो होता है वो रेड एल्गी की वजह से नहीं होता है, बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे कलर डेवलप करने की क्षमता होती है। तो लाल सागर लाल जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हमें दिखाई देता है, इसका कलर रेड होता है। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। यहाँ आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं नाश्टाक का, ट्राइकोम्स का, इसके चारों तरफ मिसलें सीध रहती है, बीच में स्टेटिव सेल्स भी होती हैं और हिट्रोसिस्ट भी पाई जाती है। तो एक नाश्टाक की सिंगल ट्राइकोम्स का ये स्ट्रक्चर है। अब नाश्टाक के रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि हम बताते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारी, इसके अंदर कोई विशेष प्रकार के सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। नाश्टाक रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो इसमें मुख्यतः वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंट, यानी कि इसमें क्या जो हमारा फिलामेंट है वो कहीं से अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे नए फिलामेंट का निर्माण होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्मॉल कॉलोनी ग्रो अटैच द लार्ज कॉलोनी लेटर फॉर्म द सेपरेट कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी छोटी जो टूट जाती है, सबस्ट्रेट टूट के अलग अलग होता है, तो नई नई कॉलोनी बनती रहती है। तीसरा इसमें टाइप होता है हार्मोगोनियम,
शॉर्ट फ्री फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट टूट जाता है उसे हार्मोनियम कहते हैं। दे आर फॉर्म अ फिलामेंट ब्रेक रिटेन द जिलेटिनस शीथ, न्यू ट्राइकोम्स आर डेवलप इन साइड द कॉलोनी। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर नोन एज काइनेट्स। तो ये काइनेट्स में क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशन आती हैं तो फिलामेंट होता है उसके चारों तरफ शीथ बनना स्टार्ट हो जाती है मिट्टी के साथ मिलकर, और सेल की बाल जो होती है थिक हो जाती है, इसे हम एकाइनिट्स कहते हैं। सम ऑफ द सेल्स बिकम द थिक बाल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। दे कैन विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द मैनी ईयर्स, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे आर जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू फिलामेंट। और ये थिकनेस जो बढ़ जाती है इसकी वजह से जो फिलामेंट है कई सालों तक डारमेंट कंडीशन में पड़ा रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे, बारिश होगी, पानी आएगा, बढ़ेगा, ये फिलामेंट जो फिर से नए फिलामेंट को निर्माण कर देगा। नास्टाक आल्सो रिप्रोड्यूस बाय हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट सेपरेट फ्रॉम द फिलामेंट एंड डिवाइडेड टू जर्मिनेट न्यू फिलामेंट। अगर हमारा फिलामेंट जो है हेटरोसिस्ट से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, हेटरोसिस्ट अलग हो जा रही है, तो वो है नई सेल जर्मिनेट करके फिलामेंट का निर्माण करती है। इस तरीके से जो हिस्टो जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो नास्टाक थैलस में परफॉर्म होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नास्टाक की कॉलोनी है, ट्राइकोम्स आप देख सकते हैं इसमें हिस्टोसिस्ट की प्रेजेंस है, और हिस्टोसिस्ट किस तरीके से मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है वो आप देख सकते हो। साइकोफाइलिन ग्रेनुल्स पाए जा रहे हैं, सेंट्रोप्लाज्म पाया जा रहा है, क्रोमोप्लाज्म पाया जा रहा है, सेलवाल है, और सीडोबैकुल्स भी इसमें पाई जाती हैं। तो यही स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिकल की बुक में बनाना है, ये वाले सभी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और 10 पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो आपका प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें पूरा हो सकता है। रिप्रोडक्शन आप डायग्मेटिक देखते हैं, हेटरोसिस्ट यहाँ से ब्रेक होगी तो वहाँ से नई कॉलोनी बना लेगी, फ्रेगमेंट अगर टूट जाए टुकड़ों तो नई कॉलोनी बन जाएगी एकाइनिड्स। इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली आपको बहुत इसमें दिखा सकते हैं किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फार्म आपको देखने को मिल सकती है डायग्राम में। अब नाश्ता की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक जनरल इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है सॉइल इनरिचमेंट। नाश्टाक प्ले अ क्रूशियल रोल द नाइट्रोजन फिक्सेशन इनहांसिंग द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ सॉइल पैडी फील्ड ऑफ यूज द इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप फील्ड। तो नाश्टाक जो है बहुत ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पैडी मतलब राइस फील्ड में यानी कि धान की खेती में ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है जिससे उसकी यील्ड बढ़ जाती है। फूड सोर्स रिच प्रोटीन एंड विटामिन सी, नाश्टाक इज डिलीशियस इन वेरियस एशियन कंट्री स्पीसीज लाइक नाश्टाक फ्लेजली फार्म नाश्टाक कम्युनी आर पॉपुलर चॉइस इन द कुलिनरी डिश। कई सारे जो समुद्री किनारे देश हैं उसमें नाश्टाक स्पीसीज को एज ए फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और प्रोटीन जो है अधिकता से पाई जाती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नाश्टाक म्यूकोसोरम हैज सून पोटेंशियल द एक्यूमुलेशन ऑफ पोलीहाइड्रोक्सीरेट अ प्लास्टिक प्रिकर्सर दिस सजेस्टेड द पॉसिबल एप्लीकेशन द बायोप्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जो बायोप्लास्टिक इंडस्ट्री है इसको प्रिकर्सर के रूप में उसमें हम इसको नाश्टाक का प्रयोग करते हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, नाश्टाक एज कन्वर्ट CO2 टू बायोफ्यूल ऑफरिंग अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑल्सो मेक द कैंडिडेट और बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो बायोफ्यूल के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, और देखा जाए तो आने वाले समय में ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका अल्टरनेटिव सोर्स सिद्ध होगा। बायोरेमिडेशन, नाश्टा कैन बी यूज फॉर बायोरेमिडेशन ऑफ वाटर वेस्टेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इट एबिलिटी टू डिग्रेड टॉक्सिन मेक्स अवेलेबल इन द क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। तो पॉल्यूटेड वाटर को इसके द्वारा हम प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, और ये डिग्रेडेड इन्वायरमेंट जो होता है उसको बचाने का काम करता है, और इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको भी डिग्रेड करने का काम करता है। मेडिसिनल पोटेंशियल वेरियस स्पीसीज ऑफ नाश्टाक सच एज नाश्टाक म्यूकोसोरियम नाश्टाक कम्युनी एंड नाश्टाक इंसुलिन हैव सून एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एक्टिविटी सजेस्ट देयर पोटेंशियल इन द ड्रग डेवलपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हमारा एल्ग